टोकन लगा रहे हैं आप? पापा से पापा से। लेकिन आज वृक्षारोपण का जो ये पौधारोपण हमने किया है, इस पर ये कहेंगे भाई पेड़ लगा दे रही हो, नहीं तो मानस फूकन खातिर लकड़ी नहीं मिलेंगे। ये देखिए भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज जुलाना के रेलवे स्टेशन पर पर्यावरण प्रेमियों द्वारा पौधारोपण किया गया। पिछले लगभग 9 दिन से इन लोगों द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। जुलाना में जो पौधारोपण इन द्वारा किया गया, ये पौधे सामने नजर आ रहे हैं। कुछ लड़कियां भी इनके साथ और पर्यावरण प्रेमियों के साथ इन्होंने मेहनत करके पौधे लगाए हैं जुलाना में। वो सभी पौधे हम आपको दिखाएंगे, जानेंगे भाई ये जज्बा इनको कहां से मिला है। जुलाना के पर्यावरण प्रेमी जो जुलाना को हमेशा हरा भरा रखने में अपना सहयोग देते हैं, और साथ में अब इन्होंने एक मुहिम लगाई है, रचाई है, जल बचाओ सेव वाटर। इसका भी इनसे जानेंगे, इसके बारे में भी, ये कब से जारी है, कब ये कार्य किस समय किया जाता है इनके द्वारा। नमस्कार जी कौशिक साहब। नमस्कार जी कौशिक जी, मतलब आपको एक हास्य कलाकार के रूप में जाना जाता है, तो वन प्रेमी हो गया, पर्यावरण प्रेमी जो जुलाना में पर्यावरण प्रेमी लगे हुए इनके साथ आ गए हैं, तो कोई अच्छा कॉमेडी पर्यावरण के ऊपर भी सुना दो। कॉमेडी तो है, आज का जो कोरोना टाइम चल रहा है, मुंह बताइए बंद रखा, हंसने का तो टाइम नहीं, सांस लेने का ना हंसने का। लेकिन आज वृक्षारोपण का जो ये पौधारोपण हमने किया है, इस पर ये कहेंगे भाई पेड़ लगा दे रही हो, नहीं तो मानस फूकन खातिर लकड़ी नहीं मिलेंगी। ये देखिए भाई, ये भी हास्य कलाकार है, कुछ और है यहाँ पर सदस्य पर्यावरण समिति के। नमस्कार जी। नमस्कार। आज का पौधारोपण का कार्यक्रम किस खुशी में किया गया? रामनवमी की खुशी है। रामनवमी खुशी में पर्यावरण प्रेमियों द्वारा पौधारोपण का कार्य किया गया। जो लड़कियां लगी हुई हैं पिछले 9 दिन से, उनसे बात करेंगे जो पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने पौधे लगाए हैं। बेटा जो पौधे लगाए जा रहे हैं पिछले 9 दिन से आपके द्वारा, वो किससे प्रेरित होकर लगा रहे हैं आप? पापा से। पापा से? आपके पापा हमेशा पौधे लगाते हैं? 41 पौधे लगाए गए हैं बताया जा रहा है समिति के सदस्यों के द्वारा, और इनके पापा हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब आपका नाम? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार भाई साहब, आप कब से लगा रहे हैं पौधे? जो पौधे लगाने का जज्बा है, आप साथ में अपनी लड़कियों को लगाया है, ऐसा क्यों किया आपने? मन में तमन्ना थी, खाली तमन्ना थी मन में, और कुछ करें, कुछ करें पर्यावरण के लिए। कितने पौधे लगाए आपने? 41 पौधे। देखिए इन्होंने 41 पौधे लगाए हैं, और जनहित पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं हमारे साथ गुरदास जी, इनसे जानेंगे। जी नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई साहब। जनहित पर्यावरण समिति जो हमेशा पौधे लगाती है पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण में, जी। तो जो आज का पौधारोपण कार्य था वो किस खुशी में? हमारे लिए तो रोजाना ही खुशी है, हमारा ध्येय है। हम 10 सालों से संस्था इस कार्यक्रम में लगी हुई है, हमने हजारों की संख्या में पेड़ लगाए हैं और विद ट्री लाए हैं। वैसे तो हमारा एम है कि हम अपने जुलाना को, अपने हरियाणा भारत को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएं पर्यावरण के माध्यम से, और जो भी पौधे हम लगाते हैं वो विद ट्री लगाते हैं। लेकिन अभी कुछ समय से हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी नवरात्रों के उपलक्ष्य में हमने, दिनेश जी ने 41 पौधे हमें दिए थे, कुछ भाइयों ने जैसे मंडी के सहयोग से त्रिवेणियाँ लगवाई हैं, आज हम उनको वृक्ष मित्र रूप के रूप में उनको सम्मानित करेंगे। तो इसलिए हम सारे आज इकट्ठे हुए थे। आज भगवान, आज रामनवमी है,
और नौमी का दिन है, इसलिए हमने आज पौधा लगाया है। बेटियां हमारे पूर्ण रूप से सहयोगी हैं, सभी का सहयोग है, हमें मिलता है और हम चाहते हैं कि प्रत्येक इंसान को एक नहीं कम से कम 11 पौधे लगाने चाहिए, तभी जाके हम पर्यावरण को सुधार पाएंगे। अब तक आपकी जो समिति द्वारा जो पिछले 8-10 सालों से यहाँ कार्यरत है जुलाना के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, हरा भरा रखने के लिए, कितने पौधे लगा चुकी है? 1000 से ऊपर हो गए। 1000 से ज्यादा पौधे लगा चुकी है और ज्यादातर त्रिवेणी लगाई गई है। त्रिवेणियां भी बहुत लगाई है, सिंगल पौधे भी बहुत हैं, बट वृक्ष हैं, पीपल हैं, नीम है और कुछ औषधीय पौधे भी हैं और विद ट्री गार्ड लगाते हैं। जैसे जो बड़ा पौधा हो गया फिर उसका ट्री गार्ड निकाल लेते हैं, फिर आगे लगा लेते हैं। हमने कोशिश की है कि उसको जुलाना में बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा होने करके हमें बहुत समस्या आती है, नहीं तो हम पौधे और भी बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने बताया कि जुलाना में जो बंदरों की समस्या है इसको देखते हुए ट्री गार्ड लगा कर ही पौधे लगाने पड़ते हैं और पौधे तो और भी ज्यादा लगा सकते। और वो हमारे स्टेशन मास्टर हो जाओ नरेश कौशिक जी को यहाँ पौधे लगाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ पे पहुंचकर सम्मानित करने का काम करें वृक्ष मित्र के तौर पर। अब यहाँ पर ज्योति लाठर को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने इसमें सम्मानित करने का काम करेंगे। यहाँ पर ज्योति लाठर को पौधे लगाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है जनहित पर्यावरण समिति के प्रमुख सदस्यों के द्वारा। कीर्ति लाठर को सम्मानित किया जा रहा है जनहित पर्यावरण समिति के सदस्यों के द्वारा जो नौरात्र के दौरान उनके द्वारा पौधे लगाए गए हैं जुलाना को हरा भरा करने के लिए, इसके लिए सम्मानित किया जाता है। जनरणोईला को सम्मानित किया जा रहा है प्रताप सिंगला के द्वारा, भाई पर्यावरण जनहित समिति के सदस्यों के द्वारा। ये देखिए सुदर्शन जी निर्मल द्वारा सम्मानित किया जा रहा है जनहित पर्यावरण समिति के द्वारा, जो जुलाना गणमान्य व्यक्ति है जो हमेशा पर्यावरण को बनाए रखने के लिए उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ज्यादा सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है जनहित पर्यावरण समिति के सदस्य द्वारा। ऐसे आदमी मृदा काल कहा था, यहाँ पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित करते हुए रमेश जिंदल। तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया जुलाना से। इस तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया जुलाना से।